फेसबुक क्वेरी हम शामिल करेंगे। ये बीएस चौहान जी का सवाल आया है, देहरादून के रहने वाले हैं। इनका भी जो सवाल है वो एक बैंकिंग सेक्टर पे शेयर पे है, बैंक ऑफ इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 10,000 शेयर्स हैं और 80 रुपीज इनकी बाइंग प्राइस है। और रुचित, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए, बैंकिंग स्पेस एज अ होल बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है कहने की बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है, देखिए, ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ही है। पर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो क्योंकि क्वांटिटी इनके पास काफी हैवी है, जिसके चलते नुकसान भी बड़ा दिखाई दे रहा है। क्या नजरिया रखते हैं, क्या यहाँ से इस स्टॉक में भी एक अच्छी रिकवरी, या फिर कहूं के रिकॉर्ड लेवल्स पे जाते हुए आप इसे देखेंगे, क्या राय है? आई थिंक यस, रिसेंटली हमने देखा है कि सभी के ऑलमोस्ट सब पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी रिकवरी हुई है, और जो वॉल्यूम्स ये स्टॉक्स में बने हैं, ये वॉल्यूम्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में लगभग 4 से 5 साल का एक अंडर परफॉर्मेंस ये सारे शेयर्स में था, जिसके ब्रेकआउट हमने देखे हैं। तो मिड टू लॉन्ग टर्म में आई थिंक यहाँ पे द वर्स्ट नो सीम्स टू बी ओवर फॉर दिस स्टॉक्स, और जब भी अभी नेक्स्ट फेज ऑफ डिक्लाइन में ये स्टॉक ये रिसेंट रैली को रिट्रेसमेंट करने जाएंगे, तो निचले स्तरों से आपको फिर से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में दिखेगा। तो मेरे हिसाब से मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखे और अपनी जो पोजिशन है उसमें बने रहे। शॉर्ट टर्म में क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुका है, थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो एक टाइम वाइज करेक्शन पॉसिबल है, जहां पे कुछ समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। लेकिन ना थोड़ा मीडियम टर्म एटलीस्ट मैं कहूंगा कि 8 से 10 महीने का व्यू रखे, और स्टॉक में और करंट लेवल से भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते, तो अपनी पोजिशंस को होल्ड करें।